जय भोलेनाथ। आखिरकार तकरीबन 6-7 घंटों का सफ़र करके हम फाइनली भरमौर पहुंच चुके हैं। अभी भरमौर पहुंचने के बाद यहां से 16 किलोमीटर आगे हडसर है, तो अभी हम वहां के लिए रवाना होंगे। हमको शायद शाम के 6-7 बज जाएंगे पहुंचते। और मौसम ये देखिए कैसे पहाड़ बादलों से घिरे हुए हैं। देखिए और सर्दी यहाँ पर इतनी है और सेब के पेड़ इतने हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सेब लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए नीचे गाड़ियों की पार्किंग है, वो आगे तक लंबी लाइन लगी हुई है, वो आगे तक। अभी देखो अभी हमारे साथी क्या प्लान बनाते हैं। ये रात को चढ़ाई करेंगे, यात्रा करेंगे, या सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे। अभी ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग करा रहे हैं ये, और आगे जो गाड़ी वाले वो पैदल ही प्रस्थान कर रहे हैं। जो बाइक वाले हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन अभी हम शाम का नाश्ता करेंगे बिस्किट के साथ। भोलेनाथ। ये देखिए ऊपर पूरे सेब के पेड़ हैं ये। देखिए पूरे सेब के पेड़ हैं नीचे, इनमें तो कम सेब है लेकिन पीछे जो पेड़ गए वहाँ पर बहुत सेब थे। ये देखिए पहाड़ों के बीच में लोगों के घर, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये भी एक गांव है पहाड़ की चोटी पे, बहुत ग्रीन 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 है और ऊपर से पहाड़ बादलों से ढके हुए। अभी यहाँ पर हमारा 5 मिनट का हाल्ट हुआ है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे।